सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें तुम कंटेंट देकर पैसे कमा सकते हो, सकते हो, हर किसी के बस की बात नहीं होती है, हमारे लिए भी नहीं है। तो आज हम लोग दो ऐसे प्राणियों के बारे में बात करने वाले जिन्होंने पैसे कमाने के लिए सारी हदें पार कर रखी हैं। एक है एंटी रचना और दूसरा है, इनका नाम है पर्णज रंधावा। तो बिना देरी करते हुए आज की इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। पहले हम लोग बात करने वाले रचना एंटी के बारे में। मैं इन पर पहली बार वीडियो बना रहा हूँ तो फिर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि इन एंटी की शादी 16 साल की उम्र में ही हो गई थी, अरेंज मैरिज, और उसी का गुस्सा ये अपने बच्चों पर निकाल रही है। तो ये आंटी अपने बच्चों के साथ ऐसा ऐसा रील्स बनाती है जो कि माँ बेटे में होता ही नहीं है, साथ में प्रॉपर रील्स के साथ कमेंट सेक्शन भी ऑफ होता है। पहले तो मैं इन पर कोई रोस्ट वगैरह नहीं बनाने वाला था क्योंकि अभी अभी स्ट्राइक से मुक्त हुआ हूँ यार। ऊपर में प्रॉपर लिखा है मॉम एंड सन, ये लिखना जरूरी है और इनके हर वीडियो में लिखा होता है। अगर नहीं लिखेंगे ना तो फिर लोग समझेंगे कि यही समझेंगे। तो ये लौंडा है, ये पहली बात तो बहुत बड़े वाला चूतिया है और दूसरी बात मेरी एज का है। तो सुन भाई, चूतिया तो इतना बड़ा हो चुका है कि तेरे अंदर थोड़ी बहुत समझदारी आ चुकी है, दिमाग आ चुका है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर क्यों बेवकूफ बना फिर रहा है? तेरी माता श्री को तो पता है भाई, फिर भी वो करती है तो सिर्फ एंगेजमेंट के लिए, लोग एंगेज हो। अरे तुझे पता है तेरी माता श्री ने तेरी उम्र में क्या कांड किया है? अगर तेरे को भी ऐसा रहना है तो कर ले, तू भी जाएगा बाल विभाग के जुर्मा में सीधा अंदर, और किसी कारण से नहीं जाता है तो तुम्हारी माता श्री अपने लौंडे के साथ जैसा हरकत कर रही है तुम अपनी लौंडिया के साथ करना, तुम्हारी लौंडिया का लौंडा अपने लौंडिया के साथ कर। यही चीजें हैं जिनमें ऑडियंस को देखने में भरपूर मजा आता है, इसी चीजें में तो एंगेजमेंट मिलती है। फिर बनाओ वीडियो, फिर जनता बुली भी करेंगी, फिर कमेंट सेक्शन ऑफ भी हो जाएगा, फिर रोस्टर रोस्ट भी करेंगे, फिर रिप्लाई भी देना है उनको उल्टा सीधा। मुझसे के मम्मी से गलत इफेक्ट पड़ रहा है, मुझसे नहीं पड़ रहा, आप लोगों से गलत इफेक्ट पड़ रहा है, मैं तो अच्छी हूँ क्योंकि मैं माँ हूँ। इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लिख रखा है संतूर मॉम रचना, और यूट्यूब पर भी आंटी जी के लगभग 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, लेकिन व्यूज किसी किसी वीडियो में ही 10% होते हैं। मतलब कि भैया यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट चलता है, ठीक है ना। बेसिकली इनकी वो वीडियो ज्यादा चलती है जिनमें कुछ ऐसा थंबनेल होता है। मोस्ट पॉपुलर वीडियो में भी देखोगे ना तो ऐसी ही वीडियो है जो चले हैं। देखते हैं आज मम्मा ने खाने में क्या बनाया है। हेलो गाइस, अबे स्टार्टिंग में वीडियो में सब नहीं दिखाया जाता, इतनी समझ है कि नहीं? 1.5 लाख सब्सक्राइबर कर लिए लेकिन 150 वाले भी दिमाग नहीं है। कैसा रहा स्कूल? बोरिंग। व्हाई? गेम पेड नहीं हुआ, प्रपोजल लिखवाया, पढ़ाया। अबे कहाँ से अच्छा जाएगा स्कूल तुम्हारा? मैं तो सोचता हूँ इसके कोई दोस्त वगैरह भी होंगे कि नहीं। लड़कियाँ बोले कि भैया इसकी नीयत सही नहीं लग रही, इससे दोस्ती करना बेकार है। ऑंडे बोले भोसड़ी के तू तो रंडवा ही मरेगा। मैं कब से देख रहा हूँ बिचारी गुड़िया को कैमरा पकड़ा कर ही रखा हुआ है। ले आयका और मेरा एक स्पेशल फ्रेम में लेना, क्या कि हम दोनों के वजह से घर चल रहा है तुम्हारा। लोग चांद पर चले गए, अब तो सूरज पे जाने की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इनकी जिंदगी ऐसे अश्लीलता से भरे रील से ही चल रही है। जब लोग सूरज पर भी पहुँच जाएंगे ना तो फिर ऐसे ही कटेगी इनकी जिंदगी। रुद्र हटो यार, मैं बैठ भी नहीं पा रही हूँ। क्यों बैठना है? ले मैं मेरे ऊपर मत लेटो भाई। देखो ये व्लॉग होता है, इसी को व्लॉग बोलते हैं। बाय द वे इनका जो टॉपिक है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, अगर चाहो तो जाकर देख लो, अगर झेलने की क्षमता है तो। अम्मा जी बहुत सुंदर लग रहे हो आज। डॉल लग रहे हो, डॉल। अब बेटे डॉल ही तो है वो तेरे लिए, डॉल ही तो समाज का खेल रहा है उसके साथ तू। सारे अंकल जी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है और अगले क्षण क्या होगा। मजा नहीं आया एंटी जी आपके ऑडियंस को, क्योंकि
अपने बेटे को भी बुला, तब आएगा एंगेजमेंट, बढ़िया से लाइक फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे। और अब आते हैं थोड़ा कंक्लूजन वाले पार्ट पर। पहली चीज जो सभी बोलते हैं, आंटी जी जो ये सब चीज कर रहे हो वो बंद कर दो, क्योंकि आपको जितना फेम चाहिए था, जितना आपको फॉलोअर चाहिए थे, उससे कई गुना ज्यादा आपको मिल चुका है, और मेरे ख्याल से आपका मन भी भर जाना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपको वीडियो बनाना ही है तो कुछ बढ़िया कॉन्टेंट बनाओ। यूट्यूब पर बहुत सारी कैटेगरीज है, जिनमें एजुकेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक पूरा भरी पड़ी है। पता है कि आपके ऑडियंस कम हो जाएंगे, लेकिन ट्रस्ट मी कि आप ज्यादा खुश रहोगे। और अगर इसके बावजूद भी आप ऐसी रीलें बनाना चाहती हैं तो फिर कमेंट सेक्शन ऑफ ना रखें। अगर आप ये सब चीजें कर सकती हैं तो फिर झेलने की क्षमता आपके अंदर में होना चाहिए। हमने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स को रोस्ट किया है, ऑब्वियसली गाली पड़ना ही था, फिर भी हमने कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं रखा, जो भी गालियां आनी थी आने दिया, तो इसमें एंगेजमेंट की कोई भी बात नहीं है। और मैं इनके बेटे के ऊपर कुछ भी बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मुझे और अब गाली नहीं खानी है, बस हो गया जितना खाना था। तो भैया बस इस टॉपिक का इतना ही, बढ़ते हैं अगले टॉपिक के अंदर में। मैं बात करने वाला हूँ एक मालिक और नौकरानी के बारे में। यस, मालिक और नौकरानी। एक समय पर वेब सीरीज चलता था कि भैया इसके साथ चक्कर, उसके साथ चक्कर, लेकिन आज के समय में रियल लाइफ देखने को मिल जाता है। पहली बात तो देखो, इनके ऊपर कुछ ज्यादा रोस्ट वगैरह नहीं बने हुए हैं, क्योंकि ये ज्यादा लोगों के नजर में नहीं आए हुए हैं। लक्ष्य चौधरी भाई साहब ने किया है रोस्ट इनका, और एक दो यूट्यूबर और भी हैं। इनका नाम है परनाज रंधावा, और इनके 1.2 मिलियन फॉलोअर हैं। पता नहीं लोगों के नजर में कैसे नहीं आया, आई डोंट नो। ये है इसकी नौकरानी राजू। देख लिया दिस, आ गया सारा सिस्टम समझ में। और परनाज भाई राजू के साथ इतना वीडियो बना चुके हैं, इतना वीडियो बना चुके हैं कि परनाज को लोग देखना ही नहीं चाहते, वो देखना चाहते हैं को सिर्फ राजू को। अगर परनाज भाई राजू को लाना बंद कर दिया तो फिर बैठ गया तू कौन मैं कौन, मेरे को तो राजू देखना है भैया, राजू को बुला वरना फिर अनफॉलो करेंगे हम तेरे को। भाई तो भाई परनाज भाई ने सिंपैथी गेन करने के लिए राजू को बुलाया था एक वीडियो में, लेकिन लोगों ने इतना प्यार दिया कि परनाज भाई इस प्यार को नकार थोड़ी सकते थे, ताकि बुला लिया राजू को, बना वीडियो फिर साथ में, और जिस वीडियो में राजू नहीं होती है देख सकते हो उस वीडियो का हालत। तो लोग पैसे और व्यूज के लिए क्या क्या नहीं कर पाते हैं ना, शादी हो गई लेकिन शर्म नहीं है। लोग तो ये भी बोलते हैं कि भैया हमको प्राइवेट वीडियो देखनी है, व्यूज तो उसमें भी भर के आएंगे, बनाओ ना फिर वीडियो, क्यों नहीं बना रहे हो। ये होता है जब 36 फिल्टर मार लो तो। अरे भाई नेचुरल कलर है यार, क्यों शर्म कर रहा है, उसमें कोई नहीं चिढ़ा रहा भाई तेरी बंदी को। अबे अंदर घुसेगा क्या पूरा, बेटा तो शादी हो चुकी है, थोड़ा होकर साथ भी रील्स वगैरह बना लेकर, वरना ये तो सबसे अलग लग रही है राजू। राजू सबसे अलग है। राजू इधर देख भाई, राजू थोड़ा उधर भी देख ले यार, कंटेंट तो तुझे ही देना है, तेरे द्वारा ही तो उंगली किया जाएगा, वरना भैया तो सड़क पे आ जाएंगे। नौकरानी राजू को हिमाचल ले गए, बताओ। तो गाइस अब हम जाएंगे जंगल की ओर, जो जंगल सामने बना पड़ा है, तो उसमें देखते हैं टिकट है वहाँ पे। परनाज भैया आप जंगल जा रहे हो ठीक है, लेकिन थोड़ा जानवर आनवर से बच के रहो, क्योंकि आजकल एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। बस एंड दी एंड में इतना ही बोलना चाहूंगा भैया कि दुनिया पैसे के लिए कुछ भी करती है, तुम्हें जो चीज में इंटरेस्ट है वो चीज करो, जैसा करना है वैसा करो, लेकिन इनके जैसा मत करना, अगर करना भी है तो सोशल मीडिया के अंदर में मत करना, वरना मैं कौन होता हूँ यहाँ रोस्ट करने वाला, बड़े बड़े रोस्टर बैठे हैं, रोस्ट हो गए तुम भी कल के डेट में। और भैया मैंने इस वीडियो में हर चीज डिस कर दिया, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ऐसे लोगों से, और मैं एंड दी एंड में आपको इतना चीज बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो को देख लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा, बस आपको डाउनलोड करना है और डाल देना है अपने चैनल पर, क्योंकि वीडियो को हट भी सकती है कभी भी, इसीलिए भाई जितना हो सके उतना डाउनलोड करो और डालो फटाफट से अपने चैनल पर। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।